हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद दी यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 ट्रांसवर्सल एंड पेयर ऑफ लाइंस के वर्कशीट 2 का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। अगले वीडियो में हम लोग वर्कशीट 2 को सॉल्व करेंगे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्कशीट 1 को सॉल्व कर लिया था। दोनों वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझाऊंगा, जो यदि आप जानेंगे तभी आप वर्कशीट 2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो के बीच बीच में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, तो वीडियो को तक देखिएगा ताकि आप लोग इजीली समझ पाएं कि कौन कौन सा ट्रिक्स हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है एंगल्स मेड बाय ये ट्रांसवर्सल विथ टू लाइंस। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग ये जान चुके थे ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। मैं फिर से बता देता हूँ कि ट्रांसवर्सल लाइन हम लोग ऐसे लाइंस को कहते हैं जो कि दो या दो से अधिक लाइंस को इंटरसेक्ट करता है डिफरेंट पॉइंट्स पर। ओके, तो ऐसे लाइंस हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइंस। अब देखिए जब इंटरसेक्शन होता है तो एंगल्स तो बनते होंगे। ओके, तो कितने एंगल्स ट्रांसवर्सल बनाता है जब वो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, तो वही हम लोग अब इसमें पढ़ने वाले हैं। वर्कशीट 2 में हम लोग वैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे एन है ट्रांसवर्सल, एल और एम इंटरसेक्टिंग लाइंस है जिसे इंटरसेक्ट कर रहा है एन। ठीक है, कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पी और एक पॉइंट क्यू। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहा है एन लाइन एल और एम के साथ। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जब इंटरसेक्शन हुआ है तो एंगल्स फॉर्म हुए, तो कौन कौन से एंगल्स, एंगल 1, 2, 3, 4 और एंगल 5, 6, 7, 8, ऐसे एंगल्स जो है वो फॉर्म हुए हैं। 8 एंगल फॉर्म हुए जब यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है। ओके, व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस इन अ प्लेन 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड। जब भी एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता हो किसी भी दो लाइंस को एक प्लेन में, तो हम लोग देखते हैं कि 8 एंगल्स वहां पे फॉर्म होते हैं। कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं, 8 एंगल्स। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में भी आ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला, द एंगल्स फॉर्म बाई ट्रांसवर्सल आर फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब जो एंगल्स बनते हैं तो एंगल्स के कुछ नाम होंगे, तो बस वही हम लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, वही हम लोग अब आगे देखेंगे। जो सबसे पहला बनता है इंटीरियर एंगल। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो फिगर दिया गया है, इस फिगर को ध्यान से देखिए। लाइन सेगमेंट पी क्यू, ठीक है, वो एंगल 3, 4, 5 और 6, इन सभी का आर्म बन रहा है। एंगल 3, 4, 5, 6, इन सभी का आर्म कौन बन रहा है, पी क्यू, जो कि लाइन सेगमेंट है। ओके, तो ये जो है वो इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि ऐसे एंगल्स जो कि अंदर में लाइक कर रहे हैं, दोनों लाइंस के अंदर में लाइक कर रहे हैं, मतलब कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। नाम से पता चल रहा है वो अंदर में होना चाहिए, इंटीरियर में होना चाहिए। तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 क्या है, अंदर में है। ओके, एल और एम को इंटरसेक्ट कर रहा है एन, और जो एंगल्स अंदर में फॉर्म हो रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स। तो 3, 4, 5, 6 क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। तो हम लोग इंटीरियर की बात किए तो जो बाहर में होंगे उसे हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। जी बिल्कुल वही बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी क्या कहता है, द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज नॉट वन ऑफ द आर्म ऑफ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। अब इस इन एंगल्स में देखिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। तो यहाँ पे आर्म पी क्यू जो है, वो जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है वो आर्म नहीं है एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 का। लेकिन पिछले कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जो आर्म पी क्यू था वो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 इनका क्या था, आर्म था। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। जब तक आप इन्हें अच्छे से नहीं समझिएगा आपको वर्कशीट 2 हार्ड लगेगा, इसलिए पहले इन टर्म्स को आप अच्छे से समझिए, डायरेक्ट वर्कशीट में मत जाइए। अब देखिए जो अंदर में थे उन्हें हम लोग इंटीरियर एंगल बोले, अब जो बाहर में है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो हम लोगों ने एक्सटीरियर एंगल भी समझ लिया कि जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता हो तो जो एंगल्स फॉर्म होते हैं बाहर की साइड उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स। अब अगला आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 8, सॉरी यहाँ 8 है, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 8, इन्हें ध्यान से देखिए। ओके, क्या ये एक सेम ट्रांसवर्सल लाइन में लाइक कर रहे हैं, मतलब कि एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 8 एक सेम ट्रांसवर्सल लाइन में लाइक कर रहे हैं। यहाँ देखिए एन में, एन एक ट्रांसवर्सल लाइन था, यहाँ पे लाइक कर रहे हैं 1, 4, 5, 8। ओके, तो 1 तो एक्सटीरियर एंगल है, 8
एक्सटीरियर एंगल है, 5 एक इंटीरियर एंगल है और 4 क्या है वो भी एक इंटीरियर एंगल है। तो 1 5 1 5 और 4 8 4 और 8 ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। 1 5 और 4 8 ये क्या हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को पहचानने का मैं आपको एक ईजी सा ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है तो आप लोग, यदि आपको दे दिया कि एग्जाम में कोरस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड कीजिए, तो आप लोग देखिएगा कि यू कहाँ बन रहा है, इस प्रकार का यू बनता है। ठीक है, अब यू बनने से क्या होता है, यू बनने से होता है कुछ ऐसा कि ये वाला जो एंगल होता है वो बाहर वाले एंगल के इक्वल हो जाता है, ये दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे यू बन रहा था इस प्रकार से, तो एंगल 5 और एंगल 1 क्या हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। फिर इसमें देखिए यहाँ पे ऐसे यू बन रहा था, तो ये वाला एक अंदर लीजिए और एक बाहर लीजिए, फिर बता रहा हूँ एक वाला, एक आप अंदर वाला लीजिए और एक बाहर वाला लीजिए, तो एंगल 4 और एंगल 8 क्या हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, हम लोगों को कोरस्पॉन्डिंग एंगल इजी कैसे पहचानना है, हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि यू कहाँ बन रहा है। ठीक है, जहाँ भी यू बन रहा होगा वहाँ एक अंदर का और एक बाहर का हम लोग क्या बोल देंगे, वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा अंदर अंदर का मत ले लीजिएगा, ठीक है, अंदर अंदर का कोई इंटीरियर एंगल हो जाएगा फिर, इसलिए आपको एक अंदर का और एक बाहर का लेना है ताकि वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो सके। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए एंगल एल, सॉरी लाइन एल और लाइन एम, इन दोनों को इंटरसेक्ट करने वाला कौन सा है, एन ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे 7 और 3, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे यू बनाया, फिर से समझा रहा हूँ, देखिए यू बनाया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यू देखे, यू कहाँ बन रहा है, तो हम लोग देखिए यू बनने पर ये वाला जो पार्ट है वो अंदर में है जो कि जिसका नाम है 3, और ये वाला जो पार्ट है इस प्रकार से, ठीक है, वो बाहर में है, तो इसका पार्ट है 7। तो एंगल 3 एंगल 7 एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर मिला, और एक और पेयर कौन बनेगा, अब देखिए एक ये वाला एंगल और इसके बाहर में जो है, ठीक है, तो इसके बाहर में है 2 और इसके बाहर में है 6। ठीक है, तो एंगल 2 और 6 एंगल 6 भी क्या हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो अब देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में क्या दिया गया है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जब भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल लाई करेंगे वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में ही लाई करेंगे, आप लोगों को कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वहीं से फाइंड करना होगा। अगला आता है इन ईच पेयर 1 विल बी एक्सटीरियर एंगल एंड 1 विल बी इंटीरियर एंगल। ऐसा जरूरी है कि जब भी आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर फाइंड करें एक पेयर एक्सटीरियर होना चाहिए और एक पेयर इंटीरियर होना चाहिए। इस केस में देखिए इसमें एक्सटीरियर कौन सा था, 2 और 7 एक्सटीरियर था, 3 और 6 इंटीरियर था, लेकिन 2 और 6 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आया और 3 और 7 भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब कि 3 एक इंटीरियर और 7 एक एक्सटीरियर, मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलेंगे तभी जाके क्या बनेगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेगा। ओके, अब अगला दिया गया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। लुक एट द पेयर ऑफ एंगल 3 एंगल 5 एंगल 4 एंगल 6। अब इस एंगल्स को देखिए, पहला बोला गया एंगल 3 एंगल 5 और एंगल 4 एंगल 6, एंगल 3 एंगल 5 एंगल 4 एंगल 6, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, ये तीनों, ये चारों क्या है इंटीरियर एंगल्स है, ये हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल्स है, अंदर में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं कि दे लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल एन, मतलब कि ट्रांसवर्सल एन के अपोजिट साइड्स में लाई कर रहे हैं। देयरफोर एंगल 3 एंगल 5 एंड एंगल 4 एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 3 एंगल 5 और एंगल 4 एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यदि आपको नहीं समझ में आया है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को फाइंड करने का मैं आप लोगों को एक इजी सा ट्रिक बताता हूँ। देखिए मैंने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का बता दिया, अब अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर का बता देता हूँ। देखिए जब भी आप ऐसा देखें कि जेड फॉर्म हो रहा हो, जब भी आप देखिए कि जेड फॉर्म हो रहा हो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस प्रकार से जेड फॉर्म हो रहा था, ऐसा जेड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ऐसा जेड फॉर्म हो रहा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर। उसी प्रकार से एंगल 4 एंगल 6 कैसे हो गया, इस प्रकार से देखिए, तो एंगल 4 और एंगल 6, इस प्रकार से हम लोग क्या फाइंड करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, उसी प्रकार से एंगल 2 एंगल 8 एंगल 1 एंगल 7। अब देखिए एंगल 2 एंगल 8 यहाँ पे जेड फॉर्म हुआ, ठीक है, तो एक बाहर का और फिर एक बाहर का लिए, तो यहाँ पे अब क्या किए हम लोग, जेड का बाहर वाला एंगल ले रहे हैं, एंगल 2 एंगल 8 और एंगल 1 एंगल 7, तो ये क्या हो जाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब कुछ पॉइंट्स है उसे समझना जरूरी है, अल्टरनेट
एंगल्स लाइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल्स जो है वो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में लाई करते हैं। इन ईच पेयर बोथ एंगल्स आर एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। देखिए जब भी हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर निकालते हैं और इंटीरियर निकालते हैं तो हम लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों या तो एक्सटीरियर होंगे यदि एक्सटीरियर निकाल रहे हैं तो, और यदि इंटीरियर निकाल रहे हैं तो दोनों इंटीरियर एंगल्स ही होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग वाला केस नहीं कि एक इंटीरियर चाहिए और एक एक्सटीरियर चाहिए। ओके, तो इन सारे पॉइंट्स को जब आप ध्यान में रखिएगा तो आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाइएगा। अगला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स विच लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल एंड डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब यहाँ पे कहा गया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऐसे इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो कि ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में लाई करते हैं और लीनियर पेयर को फॉर्म नहीं करते हैं। अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहा होगा कि लीनियर पेयर क्यों नहीं फॉर्म होता है, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, थ्री और फाइव है, थ्री और फाइव है, तो कहाँ से लीनियर पेयर फॉर्म होगा, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, ना कॉमन वर्टेक्स है ना कॉमन आर्म है, ठीक है, एक यहाँ पे है यहाँ पे है। यदि हम लोग ऐसा बोलते कि एंगल थ्री एंगल फोर ऐसा हो सकता था कि यहाँ, तब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि लीनियर पेयर फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे तो किसी भी केस में लीनियर पेयर फॉर्म नहीं होने वाला है। ओके, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर एक्सटीरियर एंगल्स विच लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल एंड डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी ऐसे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं जो कि ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में लाई करते हैं और लीनियर पेयर को फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, दोनों के साथ सेम केस है, लीनियर पेयर फॉर्म नहीं होता है, एक इंटीरियर में रहता है तो एक एक्सटीरियर में रहता है और दोनों ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स इतना ही था इंट्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन में, इंटीरियर एंगल्स, फिर हम लोग जाने एक्सटीरियर एंगल्स, फिर हम लोग जाने करस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और बीच बीच में जो कुछ टर्म्स दिए थे वो भी मैंने आपको समझा दिए। तो अगले वीडियो में हम लोग वर्कशीट 2 को सॉल्व करेंगे, वर्कशीट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा, तो वर्कशीट 2 को आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि जो भी टर्म्स आप लोग यहाँ समझे हैं उन सभी का काम आपको वर्कशीट नंबर 2 में है। ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स समझाए, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको बताएं जिससे आप लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स और एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स को फाइंड कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को करके और प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।